ये हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया कि चंद्रशेखर आजाद फाउंडेशन स्टोन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रधानमंत्री डाला, फिर उसके बाद वो नेशनल इनॉग्रेशन किया। अब ये तीसरा मौका है कि वो बोलना ये है कि स्पीकर कस्टोडियन होता है लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, स्पीकर लेजिस्लेचर का हिस्सा है, जुडिशरी सीजीआई है। तो प्रधानमंत्री बहसियत एग्जीक्यूटिव गैर जरूरी के लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफियर कर रहे हैं और हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हमारा बोलना यह है कि प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन स्पीकर साहब ओम बिरला के जरिए कराए और उनको करने दे, और वो ऐसा करते हैं तो मैं पार्टी से शिरकत करेगी। जहां तक नई लोकसभा का सवाल है, यस, जब 2019 में चुनाव के बाद जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हुई थी, उस वक्त मैं एक वाहिद एमपी था जिसने इस बात को उठाया था कि हमको नई लोकसभा की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी लोकसभा में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या कोई बिल को पास किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसमें, और उसका जो पुरानी बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत ज़रूर है, उसका फायर क्लियरेंस भी नहीं है, मगर ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है तो स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के। त्रास दंड को भी लेकर बातचीत की जा रही है, छोड़िए ना, ये सब चलते रहता है। नागपुर में आपकी जनसभा है, क्या मायने निकाले जाए इसके लिए, क्या चुनावी प्रचार के तौर पर देखा जाए? ये पार्टी के प्रोग्राम है, पार्टी के प्रोग्राम को आए हैं पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं। तुम आए के सी राव की जो पार्टी है वो महाराष्ट्र में एक तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इसको 2024? लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हर किसी को आकर अपनी अपनी पार्टी का काम करने की इजाज़त है, तो उसमें किसी को क्या बोल सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करेगी क्या, या अकेले चुनाव लड़ने वाली? अभी टाइम है ना, अभी तो टाइम है, जब आएगा टाइम बताएंगे आपको। सर, महाराष्ट्र में अभी ऐसे सिचुएशन है कि MIM को कोई साथ में लेना नहीं चाहता। हाँ, कोई साथ नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, जनता हमारे साथ। सर, उद्धव ठाकरे के साथ आपकी मुलाकात होने वाली थी, उद्धव ठाकरे के साथ आपकी मुलाकात होने वाली थी। किससे? उद्धव ठाकरे के साथ आपकी मुलाकात होने वाली थी। आपके ख्वाब में आके बोले वो? नहीं नहीं, क्या बात करते हैं आप, अभी आए, अभी प्लेन से मैं उतरा हूँ, आप आए क्या? अरे छोड़िए, केरल के मंदिरों में RSS पे बैन लगाने की बातचीत थी। केरल में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे RSS की जो शाखाएं होती है उस पे बैन लगाने की बातचीत की गई, सरकार कह रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मुझे नहीं। मेरठ में कुछ कहेंगे आप? मेरठ में झूठा इल्जाम लगाया गया है, हमारे कॉरपोरेटर्स थोड़े खड़े हुए, गैर जरूरी तौर पर BJP के लोग वहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाए, गैर जरूरी तौर पर गाली गलौज किए और दबाने की कोशिश किए, मगर हम BJP के लोगों से कहना चाहेंगे कि MIM से मत करिए आप, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम भी आपका जवाब देंगे जमहूरी तरीके से। नागपुर के कुछ मंदिरों में एक ड्रेस कोड लागू कर किया गया है, कल से कुछ नोटिस बोर्ड लगाए हैं, आपका उसमें नहीं, मेरे को नहीं मालूम सर। आपकी पार्टी शिरकत नहीं करेगी कल के? हाँ, हमने कहा है ना, अगर प्रधानमंत्री स्पीकर से कराते हैं तो हम बराबर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है, स्पीकर है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है, ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, वो जाए, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडेशन फ्लैग पे, स्पीकर को कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा? आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा, दिल बड़ा करे प्रधानमंत्री थोड़ा, उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को जब पहली मरतबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको, तो सजदा और अब चूम लिए, तो ओम बिरला से कहिए कि करो इनॉग्रेशन। बायकॉट गैंग सर बोल रहे हैं आप लोगों को? हाँ? बायकॉट गैंग बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से, शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं TV के ऊपर,
ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ लोगों, उनका काम है। सर केजरीवाल जी ने आपके पार्टी को अप्रोच किया है सर दिल्ली? नहीं नहीं, हमारा तो राज्यसभा में कोई है ही नहीं है, और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जब 370 हटाया गया था, जिसको मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका अपोज किया था और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहा था, वो क्यों सपोर्ट किए 370 हटाने का? आज रो रहे हैं, आज रो रहे हैं, जब उनको ख्याल नहीं आया था कि किस तरह से एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो ये इनकी हमेशा से अरविंद केजरीवाल जो है सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व को फॉलो करता है, और बीजेपी से बड़ा अपने आप को हिंदुत्व का लीडर बनाने का, अब देखिए क्या हो रहा है, अब लड़ते रहिए। अब तो ऑर्डिनेंस जो सरकार ने इशू किया है वो अनएथिकल है, मगर लीगली उनको राइट है ऑर्डिनेंस इशू करने का। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पर सरकार बोलेगी कि हम पार्लियामेंट बिल ला रहे हैं, अब लड़ते रहिए बाप, 24 आ जाएगा। तो ये तो इनको सोचना चाहिए था कि उन्हें 370 का क्यों साथ दिया सरकार का। लव जिहाद कानून की जरूरत आपको लगती है क्या? है लव जिहाद जैसे कायदे करना चाहिए ऐसे आपको लगता है क्या? जरूरत है उसकी? देखिए भारत के संविधान में जो 18 साल और 21 साल का जो हो जाता है तो उनको शादी करने का राइट है। तो ये जैसा एक कहावत है कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी, ये कौन होते हैं लव जिहाद के कानून पे बनाने वाले? कैसे बनाएंगे आप, कैसे प्रूफ करेंगे, आप होते कौन है? आप लव जिहाद के नाम पर जो महाराष्ट्र में आंदोलन चला वो पूरा RSS और BJP बैक था, उससे नफरत पैदा करने की कोशिश की गई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में वो गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन नेताओं ने उस सभा में उन सभाओं में बकवास भाषण किए, हेट स्पीच, केस बुक किया ना, FIR होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए वो लोग। अब क्या लव जिहाद की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात क्यों नहीं करते? आप रोजगार की बात करिए, आप किसान मर रहा है उसकी बात करिए, अब उस पर बात नहीं करेंगे। और पूरा ये BJP बैक प्रोग्राम था महाराष्ट्र में, जितने सभाएं हुई है पूरा गवर्नमेंट बैक था, RSS बैक था प्रोग्राम, और उसमें एक ही मकसद था कि एक समुदाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत को भड़काया जाए। तो क्या RSS नफरत फैला रहा है? क्या फूल बरसा रहे हैं? फूल बरसा रहे हैं। उनका जो ओथ होता है वो ओथ क्या है बताइए? आप पढ़े होंगे ना, आप तो नागपुर के हैं, हमसे ना पढ़े होंगे।